देखें, कह रहे हैं एलिमिनेशन, द एलिमिनेशन रिएक्शन इन बिटवीन अल्कालाइट इन ए स्ट्रॉन्ग बेस टेक प्लेस बाय मैकेनिज्म E1Na2, हाउ मैनी स्टॉप आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई देखो, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, एलिमिनेशन जो होती है E1 की हमेशा टू स्टेप होती है, ठीक है, टू स्टेप होती है। इवन SN1 भी टू स्टेप होती है, जो सब्सटीट्यूशन है, और इसी तरह E2 वन स्टेप होती है, इसी तरह SN2 भी वन स्टेप है। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी अल्कालाइट। बेटा देखो ध्यान से, इसका करेक्ट आंसर है 2-bromo-2-methyl-butane। क्योंकि देखो, ब्रोमो जिस कार्बन के साथ होगा उसके साथ कम से कम 3 कार्बन और होंगे, तभी तो टर्शियरी या 3 डिग्री होगा। ये देखो अल्फा कार्बन कहलाता है, और बाकी सारे क्या कहलाते हैं, बीटा कहलाते हैं। ये गैमा वाले की तो बात ही नहीं करेंगे हम, हाँ अलबत्त स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ होगा। तो जो ऑप्शन दिए हुए थे, इसकी एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताऊँ बेटा, तभी पॉसिबल है कि हेलोजन और मिथाइल सेम हो, यानी 2-bromo-2-methyl। 3-bromo अगर होता ना तो वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता था, या अगर यहाँ मिथाइल 3 भी और ब्रोमो 2 हो, हेलोजन और ये मिथाइल सेम कार्बन पे होंगे, तभी टर्शियरी 3 डिग्री हो सकता है।